नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आप लोगों में से काफी लोग के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ बुद्धि के लिए यानी कि दिमाग को तेज करने के लिए कुछ उपाय बताएं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने तीन मंत्र लेकर के आया हूं। एक मंत्र जो है आप इसे नवरात्रि में कर सकते हैं और एक मंत्र जो बुधवार के दिन करना है आपको। इस उपाय को दोस्तों अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनके माता पिता भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। और एक मंत्र दोस्तों जो है जो इसे कंटिन्यू आप जब भी आपको टाइम मिलता है तब उसे कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर मानसिक रूप से कमजोर हैं, जो बच्चे दिमागी रूप से कमजोर हैं, तो उनके लिए ये मंत्र जो है रामायण सिद्ध होने वाला है। आप चाहे तो तीनों मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों गणेश भगवान और मां सरस्वती ये बुद्धि के देवी देवता माने गए हैं। तो एक मंत्र दोस्तों जो मैं आपको दे रहा हूं इसे आप नवरात्रि में पूरे 9 दिन करें और फिर चाहे तो आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दिमाग में मन ही नहीं लगता है, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, तो आप इस उपयोग को जरूर करें। पहला मंत्र दोस्तों जो है आपको नवरात्रि के पहले दिन से ही आपको सुबह उठ करके और माता रानी की, मां सरस्वती की या फिर तीनों देवियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवियों की एक फोटो आपको स्थापित कर लेनी है। अगर पहले से स्थापित है तो कोई बात नहीं है, उन्हीं के सामने कर लें, लेकिन मां सरस्वती की फोटो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, नवरात्रि का जो पहला दिन जो रहेगा यानी कि जिसे बैठकी कहा जाता है, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो आपको पहले दिन में मां सरस्वती की फोटो आपको सामने करना है। एक सफेद कपड़ा ले लेना है, सफेद कपड़े में माता रानी की फोटो को आप स्थापना दें, उसके बाद में एक घी का दिया जलाएं। दोस्तों याद रहे कि बत्ती सफेद ही रखनी है, और एक सफेद पुष्प ले लें। अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आपके बच्चों से करवा रहे हैं तो बच्चे कर लें ज्यादा अच्छा है, अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनके माता पिता भी उनका नाम का संकल्प लेके इस उपाय को कर सकते हैं। तो वहां पर माता रानी के सामने आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है, उसके बाद में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को आपको 108 बार पूरी नवरात्रि में यानी कि पहले दिन सुबह शाम करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको पहले दिन से ही शुरू करना है, पूरी नवरात्रि आपको चालू रखना है। अब यदि आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बाद भी इस उपाय को कर सके तो इसको बाद में भी कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा उपाय जो है ये गणेश भगवान का उपाय है। आपको इसमें थोड़ा सा विशेष चीज का ये रखना है कि आपको दूरबा की जरूरत पड़ेगी इसमें। आप इस उपाय को अगर बच्चों से करवाते हैं, अगर आपका बच्चा कमजोर है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है यानी कि उसका दिमाग बिल्कुल काम करता ही नहीं है, तो भी उसमें असर करेगा ये मंत्र, क्योंकि गणेश भगवान जी बुद्धि के देवता माने गए हैं। तो इसमें दोस्तों आपको बुधवार के दिन में अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति ले आए, अगर मूर्ति नहीं ला पा रहे हैं तो एक फोटो ले आए। फोटो ऐसे लाए दोस्तों कि रिद्धि और सिद्धि, एक तरफ रिद्धि एक तरफ सिद्धि, गणेश जी की जो पत्नियां हैं वो दोनों उनके साथ में रहे, तो इनसे तीनों की कृपा प्राप्त होगी यानी कि रिद्धि भी और सिद्धि भी और साथ में बुद्धि भी, तो चारों तरफ से बच्चे के दिमाग का विकास होगा। तो आपने इसको बुधवार के दिन इस प्रयोग को करना है। आपको 108 दूरबा, जो दूरबा घास होती है, ये आपको ले लेनी है। दोस्तों गणेश जी को दूरबा घास बहुत ज्यादा प्रिय है, और जो गणेश भगवान जी को दूरबा चढ़ाता है तो उसको जरूर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आपने क्या करना है, गणेश भगवान जी की फोटो के सामने पहले चंदन तिलक कर दें। अगर आप बच्चे से करवा रहे हैं तो बच्चे दूरबा चढ़ाएगा, और अगर आप खुद कर रहे हैं बच्चों के लिए तो पहले बच्चों के नाम का संकल्प करके अपने कुल देवता को, कुल देवी को और अपने पितरों को याद करके संकल्प लेके कि मैं अपने बच्चे के लिए इस प्रयोग को कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो, और महादेव जी को गुरु मान करके उनसे आज्ञा ले लें, उनसे आशीर्वाद ले लें, उसके बाद इस प्रयोग को आप करें। हर बुधवार के दिन करें, कम से कम 21 बुधवार करें। आपको 11 बुधवार में शायद रिजल्ट दिखने लगेगा, या ज्यादा भी लग सकता है लेकिन 11 बुधवार में रिजल्ट मिलने लगता है। तो अपने गणेश जी के सामने पहले उनके सामने घी का दिया जला दें, उसके बाद में बैठ करके आपको एक मंत्र जाप करना है गणेश भगवान का। गणेश भगवान जी की जैसे पहले पूजा करते हैं, चंदन तिलक भोग ये सब चीजें चढ़ाने के बाद में आपको एक आसन जरूर लगाएं। दोस्तों आसन के बिना पूजा नहीं होती है, नहीं तो इसका पूरा पुण्य जो होता है इंद्र भगवान ले जाते हैं। तो एक आसन लगा लें, आसन में बैठ करके 108 बार एक मंत्र का जाप करना है।
और 101 जब मंत्र जाप करेंगे तो आपको एक दूबा गणेश जी के चरणों में छोड़ देनी है। एक मंत्र जाप किया आपने, एक दूबा चढ़ा दी। दोस्तों सिर्फ बुधवार के दिन करना है इस प्रयोग को। तो मंत्र आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा, ओम गं गणपतये नमः। उसके बाद है मम पुत्रस्य बुद्धि देहि देहि हम फट। अब यदि बच्चा आपका खुद इस प्रयोग को कर रहा है तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, इस मंत्र में जो पुत्रस्य शब्द आया है ये बच्चे को नहीं बोलना है। अगर आप अपने पुत्र से, अपने बच्चे से खुद इस प्रयोग को करवा रहे हैं, अगर आपका बच्चा है, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो इस प्रयोग को नहीं कर सकता है, तो आप पुत्र से शब्द लगा करके और इस मंत्र को कंटिन्यू रखें। एक मंत्र पढ़ेंगे, एक दूबा चढ़ाएंगे, एक मंत्र, दूसरा मंत्र, दूसरी दूबा, ऐसे करके 108 मंत्र आपको जाप करना है और आपको एक दूबा चढ़ाते जाना है। अगर बच्चा खुद कर रहा है तो पुत्र से शब्द छोड़ के ओम गंगणपते नमः मम बुद्धि देहि देहि हम फट, ये ऐसे करना है। और अगर आप संतान के लिए कर रहे हैं तो पुत्रस्य शब्द इसमें जोड़ देंगे। 11 बुधवार करने के बाद में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आप इसको 21 बुधवार भी कर सकते हैं और आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा है, और ज्यादा दिमाग तेज होगा, कंप्यूटर जैसा दिमाग तेज हो जाएगा, क्योंकि गणेश भगवान जो है बुद्धि के देवता है, बुद्धि का विकास करना शुरू कर देंगे। अब तीसरा मंत्र जो है दोस्तों, ये सरस्वती माता का मंत्र है। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई अपन नियम पूजा पाठ कुछ भी नहीं है। कहा जाता है ये सरस्वती माता का बीज मंत्र है। बीरबल जो है इसके बारे में आप सब जानते हैं कि उनके पास में वो हाजिर जवाब थे कि कोई बड़े से बड़ा प्रश्न उनके सामने रख दिया जाए लेकिन उसका उत्तर उनके सामने हमेशा मुख में रखा जाता था। तो कहा जाता है कि बीरबल माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप किया करते थे, और वो बीज मंत्र आपको मैं आज देने वाला हूं। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, आप इस मंत्र को बच्चों से जाप कराए तो बहुत ही अच्छा होगा। मंत्र है दोस्तों ओम आयंग ओम, बस इतना सा मंत्र है। इस मंत्र को खाते पीते उठते बैठते सोते जाते कभी भी कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको एक कांच की बोतल ले लेनी है या पारदर्शी बोतल ले लें जिसमें से आर पार दिख रहा हो, और आपको क्या करना है, एक कागज में आपको इस मंत्र को लिख करके और आपको उस बॉटल में उसको चिपका देना है, और दिन भर में जितना पानी पिला सकते हैं आप पिलाते रहें, दूसरे दिन पानी को चेंज कर दें, मंत्र उसमें लिखा रहने दें, उसमें चिपका रहने दें और बच्चे को पानी पिलाते रहें। या फिर एक काम करें कि एक मंत्र लिख करके और नीचे कागज में, ये कागज आपने लिया यहां पे लिख दिया और इस कागज को ऐसे रख के इसके ऊपर बॉटल रख दें, आप ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर किसी भी चीज से लिख करके एक ग्लास पानी लें और उसमें उस कागज को छोटा से लिख करके मंत्र पानी में डाल दें और ग्लास को आप डाल करके ढक दें, ये भी कर सकते हैं आप। और आप चाहें तो एक ग्लास ले लें, ग्लास आप लेंगे तो ग्लास में पानी भरेंगे और आपको इसको कांच की ग्लास लेंगे और आपको उसको ऊपर ढक करके और इसको देखते हुए 108 बार ओम आयंग ओम 108 बार ये मंत्र पढ़ करके और बच्चे को पानी पीने के लिए दे दें। डेली करें, डेली बिना गैफ किए कम से कम 21 दिन करें, फिर देखें इस मंत्र का चमत्कार। बच्चे का दिमाग इतना तेज होने लगेगा कि जिस चीज में मन नहीं लगता पढ़ाई में उसी में ज्यादा मन लगेगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि सरस्वती का बीज मंत्र है। अगर बच्चा बोल सकता है तो उसको जब भी हो उसको बोलो कि दिन भर इसका मंत्र का जाप करते रहे। जैसे याद आता है 11 बार बोल दे ओम आयंग ओम, ओम आयंग ओम 11 बार मनी में बोल दे, मुंह से बोल के भी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही एकदम गजब का रिजल्ट देता है ये मंत्र, क्योंकि कहा जाता है कि बीरबल इस मंत्र का जाप किया करते थे और बीरबल की बुद्धि से आप सभी वाकिफ हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।